नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग RO ARO परीक्षा जो UPPSC द्वारा आयोजित कराई जाती है, उसके सिलेबस में उल्लिखित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी का हम लोग डेली बेसिस पर जो हमारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं विभिन्न आयोगों द्वारा, उन सभी को कवर करते हुए चलते हैं। तो आज की हमारी इस ऑल इन वन सीरीज में जो आज का हमारा सेशन है उसको देखते हैं और शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो है वो है अग्रज का विलोम शब्द है। अब देखिए, अग्रज शब्द जो है उसका विलोम क्या है। अग्रज का मतलब अग्र प्लस ज, ज से मतलब जन्मा, तो यानी अग्र यानी पहले, जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज बोल देते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे जैसे घर में अगर कोई बड़ा भाई है तो उसको भी बोल देते हैं कि अग्रज, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए अग्रज का विलोम शब्द क्या है। तो पहला ऑप्शन है अक्षत। अब अक्षत ऑप्शन तो ये नहीं होगा, आपको पता है क्षत जो होता है, क्षत का विलोम अक्षत या विक्षत ये हो सकता है, तो यहाँ पर ये अक्षत ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं तो अतुल ऑप्शन, अतुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अनुज जो है यहाँ पर, अनुज का मतलब अनु होता है, अनुसरण जैसे आप बोल सकते हैं या अनुकरण बोल सकते हैं, यानी पीछे चलने वाला, ठीक है। उसी प्रकार से अनुज मतलब जो पीछे जन्मा हो या जो बाद में जन्मा हो, तो यानी अग्रज का अगर हम लोग उपयुक्त विलोम देखेंगे तो यहाँ पे अनुज समझ में आता है जो कि इसका राइट विलोम हो सकता है। अटल, अटल भी इसका विलोम नहीं हो सकता है, अटल का विलोम जो है वो होता है ढुलमुल, तो अटल इसका विलोम नहीं होगा। इसी प्रकार से अतुल या अक्षत भी इसका विलोम नहीं होगा। आप जानते हैं कि जो क्षत वर्ड होता है, क्षत का विलोम अक्षत भी होता है और विक्षत भी बोल देते हैं, तो ये यहां पर जो है अगर हम लोग इसका देखेंगे, फर्स्ट प्रश्न जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कि अग्रज का विलोम शब्द है, तो अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। उसके बाद देखिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि मतलब कोई भी चीज के जो निर्माण से संबंधित है, ठीक है। और सृष्टि का विलोम शब्द, अब एक तो विसृष्टि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों को, विसृष्टि या असृष्टि, आ और वी लगा के कई सारे विलोम शब्द बनते हैं, इसलिए एक कॉमन डाउट चला जा सकता है। दूसरा है प्रलय, प्रलय का मतलब विनाश से इसका सेंस निकलता है। तीसरा देखिए तो ऑप्शन है व्यष्टि, व्यष्टि, और चौथा ऑप्शन है समष्टि। ये दोनों वास्तव में, ये दोनों खुद के ही एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी कि व्यष्टि यानी आप बोलते हैं माइक्रो और समष्टि को बोलते हैं मैक्रो। तो जैसे आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो वहां पर ये व्यष्टि और समष्टि ये दोनों आपस के ही विलोम है, तो यहां पर इसका राइट आंसर ये व्यष्टि या समष्टि नहीं होगा। इसी प्रकार से इसका जो उपयुक्त उत्तर है वो सृष्टि का प्रलय इसका उपयुक्त उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर जो बी सेक्शन है उसमें प्रलय का मतलब विनाश, सृष्टि का मतलब निर्माण से संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है हमारा वो है साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए साहचर्य, साहचर्य का मतलब साथ में रहने वाला या साथ जिसका हो उसको बोलते हैं साहचर्य। और साहचर्य का विलोम शब्द अगर हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द वास्तव में होता है सौमनस्य। तो यह भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि और लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूछा गया है। तो वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है, तो सहयोग हो जाता है, सॉरी सौमनस्य हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें असहयोग का विलोम शब्द, तो असहयोग का विलोम शब्द जो है वो सहयोग हो जाता है, असहयोग का विलोम शब्द हो जाता है सहयोग। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो विनियोग, विनियोग एकदम कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है, विनियोग इससे कोई संबंध नहीं है। और चौथा वर्ड है अलगाव। तो जैसा कि हमारा साहचर्य का मतलब है साथ रहना, तो उसी प्रकार से उसका जो अपोजिट होना चाहिए वो अलगाव या पृथक होना, ये जो है इसका राइट आंसर हो सकता है। तो यानी इसका जो उपयुक्त उत्तर है वो है अलगाव, ठीक है। तो थर्ड का हो गया डी आपका करेक्ट आंसर। और इन सभी की PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और ऐप पर दोनों पर उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल देखिए अगला हम लोग देखें चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला है देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग आरओ यारो परीक्षा के सिलेबस में जितनी भी चीजें उल्लिखित हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं, न केवल आपके UPPSC बल्कि अन्य आयोगों या अन्य राज्यों के भी आयोगों को हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलते हैं,
जो भी प्रश्न कहीं पर भी पूछा गया उन सभी को एक ही जगह पर हम लोग उनसे लड़ने भिड़ने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखिए कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, पहला आप देखेंगे तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, ठीक है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। अगला देखेंगे एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे तो साफ समझ में आ रहा है एक रुपए, तो एक के साथ में रुपए नहीं होगा बल्कि एक रुपया होगा, तो यहाँ पे एक रुपए ना होके रुपया होगा कि एक रुपया में कितने पैसे होते हैं। तीसरा है देखिए, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो यहाँ पे आपको देखिए कल हमने बताया था कि रेणु जो है ये एकदम सही लिखा हुआ है, यानी इसमें जो रेणु होता है ये दरअसल गलत होता है, और यहाँ पर जो ये चीज लिखी है तो ये सही है बिल्कुल, तो यानी कि इसमें काफी हद तक संभावना है कि हमारी सी वाला ऑप्शन सही हो। पर हम लोग अगला भी देख लेते हैं, साधु, देखिए साधु में ये गलत लिखा हुआ है, धू में बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो पहला वाला है कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, अब देखिए कुआं यहाँ पे गलत वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कुआं गलत वर्ड लिखा हुआ है, मीठे पानी का एक कुआं है ये सही वर्ड हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा पांचवा प्रश्न है उसमें हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न में कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो है नौकर आटा पिसवाने गया है, तो देखिए आटा नहीं पिसवाया जाता है बल्कि गेहूं पिसवाया जाता है, गेहूं जब पिसवाएंगे तब वो आटा बनेगा, तो आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो देखिए एक गुलाब के फूल की कौन सी माला बन पाएगी, यहाँ पर एक ये गलत लिखा हुआ है, एक को दरअसल यहाँ पर लाना होगा कि गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, क्योंकि एक फूल से कोई माला नहीं बन पाएगी बल्कि तमाम फूलों से एक माला बन सकती है, तो यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर ना होकर एक गुलाब के फूल की माला की बजाय गुलाब के एक फूल की माला ले आओ, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखेंगे, ये दरअसल वाक्य संरचना से रिलेटेड इसमें जो गलतियां हैं वो ज़्यादा की हुई हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो अब देखिए सर्वोत्कृष्ट ज्वर मतलब सबसे बेहतरीन जो बीमारी है उसकी चिकित्सा होती है, तो ये अपने आप में गलत है, ये निगेटिव चीज़ है, उसमें सर्वोत्कृष्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी ये गलत प्लेस हुआ है, इसकी जगह यहाँ पर इसको होना चाहिए कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो यानी चिकित्सा जो एक सुविधा है वो उसमें आप अच्छा या बड़ा अच्छा या बुरा का विशेषण प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए यह भी आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है ये गलत है, बल्कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं डी, तो देखिए परमात्मा के अनेक नाम हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि अनेकों जो मिलता है, यहाँ परमात्मा के अनेकों नाम हैं, ऐसी भी कई सारी अशुद्धियां आपको देखने को मिलती हैं, ये वास्तव में गलत होता है, अनेकों ना होकर के अनेक होता है, और ये बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है, तो यानी इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये देखिए आपका शुद्ध वाक्य पूछा गया था, तो उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक क्या बल्कि एकमात्र उपयुक्त आंसर यही वाला है डी, तो परमात्मा के अनेक नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, अब हम लोग तद्भव तत्सम पे आ गए हैं, तो देखिए तद्भव तत्सम की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव है उसमें देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले पसीना, तो देखिए पसीना का जो तत्सम होता है वो होता है प्रस्वेद, ये आप लोग जो डेली बेसिस पर हमारा RO ARO के लिए जो क्लासेस कराई जा रही हैं जिसमें हम लोग PDF के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण प्री और मेंस की महत्वपूर्ण चीज़ों को साथ में देखते हुए चलते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, यानी पसीना का तत्सम जो है वो प्रस्वेद होता है, ये अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद रह जाएगा। तो देखिए पसीना प्रस्वेद इसका तत्सम होता है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यानी जो सबसे पहला वाला है यही तद्भव है, इसका हमें पता है प्रस्वेद तो ठीक है, अगर नहीं भी पता होता तो फिर आप ऑप्शन से इलिमिनेट भी करके इसका आंसर निकाल सकते थे, जैसे मान लीजिए
पश्चाताप को देखेंगे तो पश्चाताप को जो तद्भव बनता है वो बनता है पछतावा, ठीक है। पकवान, पकवान का जो तद्भव बनता है वो दरअसल पकवान होता है, और बल्कि ये एक गलत वर्ड लिखा है, ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, बल्कि इसका जो तत्सम होता है वो होता है पकवान, यानी आधा न भी इसमें आता है और ये पकवान न होता है, तो ये तत्सम वर्ड है और ये तद्भव है इसका पकवान, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा जो है वो डी, डी ऑप्शन है पुत्र वधु, तो पुत्र वधु भी देखिए एक तत्सम वर्ड है, और पुत्र वधु का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाता है, जो तद्भव इसका होगा वो जाएगा पतोहू। आपके जो ईस्टर्न यूपी है या फिर बिहार है वहां पर पतोहू वर्ड बहुत बोला जाता है, पतोह, तो वो जो है पुत्र वधु या बहू के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पुत्र वधु भी तत्सम है, पकवान भी तत्सम है और पश्चाताप भी तत्सम है, तो यानी आपका राइट आंसर जो है वो पसीना ही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि एकल शब्द का तद्भव रूप है, तो अब देखिए एकल शब्द, एकल जो है आपका तत्सम है, एकल शब्द जो है वो तत्सम है, गाना आपने सुना होगा एकला चलो रे, मतलब अकेला चलो रे, तो वैसे ही जो है एकल का मतलब हो गया अकेला। और इसमें यहां पर देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है वो उपर्य है, ये कोई ऐसा वर्ड वर्ड नहीं होता है। इधर यहां पर आप देखेंगे तो ये अदरक, अदरक ये भी अलग दे दिया है वर्ड, ये आपको पता है कि अदरक का जो तत्सम होता है वो अदरक होता है, तो ये वैसे तत्सम तद्भव युग्म के हिसाब से सही है, परंतु इस ऑप्शन में ये गलत है। अकल आपको पता है, ये अक्ल जो तत्सम वर्ड है, अक्ल यानी जिसमें आधा का होता है उसका जो तद्भव वर्ड बनता है वो बनता है अकल। और चौथा जो है अकेला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अकेला ये जो है एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हम लोग देखते हैं कि कर्पट शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो कर्पट शब्द जो है हमारा उसका तद्भव रूप क्या है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कटरना, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। उसके बाद देखिए कर्पट से कपाट, आप लोगों को डाउट हो सकता है कि कपाट ये हो, लेकिन कपाट का मतलब होता है दरअसल, कपाट अपने आप में एक तत्सम शब्द है, तो कपाट का मतलब होता है किवाड़ या दरवाजा जो जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे मंदिर के कपाट हो गए तो वो किवाड़ से संबंधित है, तो यानी ये खुद में एक तत्सम शब्द है। उसके बाद देखें कपट, तो कर्पट से आप लोग कपट पे भी डाउट हो सकते हैं, लेकिन कपट जो है वो आपका छल कपट वाला है ये वर्ड। और यहां पे अगर हम लोग देखें कि डी वर्ड जो है वो है कपड़ा, तो कर्पट जो है ये वास्तव में कपड़ा इसका जो है वो तत्सम, सॉरी तद्भव रूप है, और ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, कर्पट ऐसे स्वतंत्र रूप में भी पूछा गया है कि कर्पट का तद्भव रूप क्या है, तो कर्पट का तद्भव रूप है कपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आठवें के बाद अगर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए सबसे पहला वर्ड है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी एक ये वर्ड है, दूसरा देखिए अंताक्षरी, ठीक है अंताक्षरी, फिर है ये यहां पर ये मात्रा कर लीजिए, और चौथा है अंताक्षरी, तो देखिए ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड आपका नहीं है, अंताक्षरी और अंताक्षरी ये तो हम लोग नहीं बोलते हैं। अब इन दोनों की अगर बात करें अंताक्षरी और अंत्याक्षरी, तो इन दोनों में हम लोग ज्यादातर जो वर्ड बोलते हैं वो बी वाला बोलते हैं अंताक्षरी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हो वही आपका सही उत्तर भी हो, क्योंकि अगर उस वर्ड में कोई कन्फ्यूजन है, अगर हम लोग उसको गलत बोलते हैं तभी उस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यहां पर देखिए तो इसका जो सही वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका ए जो है अंत्याक्षरी, वो बिल्कुल सही वर्ड है, और जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाले में आपका ये अंत्याक्षरी हो जाएगा, जिसमें आपका जो इसका अंत्य प्लस अक्षरी ऐसे करके ये शब्द बन जाता है, दोनों का ये अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो आपका जो अंत्याक्षरी है वो आपका एकदम सही उत्तर है इसका, तो यानी शुद्ध वर्तनी है अंत्याक्षरी, मतलब अंत अक्षर से जो खेल शुरू होता है, अंत अक्षर से आप लोगों को गाना गाना रहता है, तो वो आप लोग खेले भी होंगे बचपन में,
तो उसका आप लोग सही जो उसकी स्पेलिंग है वो भी जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 10वां प्रश्न है वो है, अब हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द की ओर आ रहे हैं। तो अगर उसमें देखें तो सबसे जो पहला प्रश्न है उसमें वो है कि जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो ऐसा कौन सा शब्द है, तो जिस पे कभी कोई कृषि ना की गई हो, ये पूछा जा रहा है। तो ये दरअसल आकर्षित, आकर्षित ऐसे जो है कोई वर्ड नहीं है, अकोर, अकोर भी नहीं यहाँ पर हो सकता है, अकृषित, अकृषित मतलब जिस पर कोई कृषि ना की गई हो, तो ये एकदम जो है हमें उपयुक्त वर्ड लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है ऊसर, ऊसर का भी मतलब लगभग जो है कमोबेश यही होता है, परंतु वास्तव में ऊसर का अगर हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो ऊसर दरअसल जो आपका उर्वर है, उर्वर का मतलब जिसमें उत्पादकता शक्ति बहुत ज्यादा होती है ऐसी मिट्टी, तो उसी प्रकार से ऊसर जो मिट्टी होती है वो दरअसल उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है या जो उत्पादकता होती है वो क्षीण हो जाती है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये ऊसर मिट्टी है। तो इसलिए यहाँ पे ऊसर जो है वो एग्जैक्ट ये वाला ना गया, ये वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस पर कभी कोई खेती की ही नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकृषित। उसके बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। अब ये है, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। तो देखिए सब कुछ खाने वाला, अब ये सर्व प्लस आहार, इसका यही मतलब निकलता है कि सर्व प्लस आहार, तो यानी कि ये सर्वहारी, ये आपको इसका सही वर्ड लग सकता है। उसके बाद देखिए सर्वग्राही मतलब सब कुछ ग्रहण करने वाला, सर्वभक्षी मतलब सब कुछ भक्षण करने वाला, तो ये तो इसके मतलब थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन जब ये सर्वहारी कहा जाता है तो ये आपको सही लग सकता है, परंतु ये वास्तव में एक गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जब ये यहाँ पे अ प्लस आ मिलेगा तो ये बड़ी आ की मात्रा हो जाएगी, यानी ये सर्वाहारी हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जब आया था तो कई लोगों ने इसको गलत किया, क्योंकि ये सब कुछ खाने वाला सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सर्वाहारी, लेकिन वो जब सर्वहारी दिखता है तो लोग समझते हैं कि ये टाइपिंग एरर है और इसी को सही माराते हैं, जबकि वास्तव में इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ये वास्तव में इसका सही आंसर था और आयोग ने इसी को सही माना था, इसलिए आप लोग जो इसी को आप लोग सही मानेंगे, सर्वाहारी और सर्वहारी में कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दियो, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दियो, रस्सी को दाम भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखी दिया है वैसे तो आयोग ने खुद ही इसे लिख दिया था, तो अब ये दामाद, दामाद के पेट में माँ जो है क्यों रस्सी बांधेंगी, तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, दामाद इतर ये भी नहीं होगा, दाम तो भाई रस्सी बांध दी हो तो फिर बाकी लाइनों का क्या मतलब हो गया, तो ये भी आपका सही वर्ड नहीं होगा। इसका जो सही वर्ड होगा वो हो जाएगा दामोदर, क्योंकि ये दाम बांधा किस में बांधा, उदर में बांधा, तो यानी यहाँ पर पेट का मतलब आपका उदर हो जाता है और रस्सी का मतलब हो जाएगा दाम, तो इस प्रकार से आपका ये जो बन जाएगा वर्ड ये दामोदर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को उनकी माँ ने बचपन में एक बार रस्सी से बांध दिया था, जब वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे, मिट्टी खाते थे, तो उनको रस्सी से बांध दिया गया था, तभी कृष्ण का एक नाम दामोदर भी कहा जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो डी दामोदर हो जाएगा। आपको इन सारे प्रश्नों की PDF भी मिल जाएगी, डेली बेसिस पे आपके हर सेक्शन से पूरे सिलेबस से लगभग जो है 3-4 प्रश्न आप लोग तैयार करते हुए चलेंगे हर एक सेक्शन से, तो इस आधार पे आपके काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न डेली बेसिस पर कवर होते रहेंगे, जिसका आप लोगों को 10-15 मिनट 20 मिनट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी ऑडियो विजुअल रूप में, तो आपके माइंड में एक रिटेंशन भी उसका ज़्यादा हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं, वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। अब देखिए वह बहुत खाता है, तो यहाँ पर बहुत जो है वो मतलब वो खाता है और बहुत, बहुत उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ए जो ऑप्शन है वो है निश्चित परिमाण वाचक, तो बहुत खाता है, कितना खाता है, बहुत खाता है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये 1 किलो खाता है कि 2 किलो खाता है, या ये बस एक वेग सी स्थिति, अस्पष्ट सी स्थिति में छोड़ दे रहा है कि बहुत खाता है, तो यानी कि ये परिमाण तो बता रहा है, ये तो तय है, परिमाण का मतलब मात्रा, जहाँ पे भी मात्रा बताई जाती है तो वहां पर परिमाण वाचक विशेषण होता है, तो यानी परिमाण वाचक विशेषण तो है, परंतु यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है, तो उस आधार पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर परिमाण, ये संख्यावाचक विशेषण का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता,
ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है, निश्चित है नहीं इसमें। तुलनात्मक विशेषण ऐसा कोई विशेषण ही नहीं होता है, और परिमाणवाचक विशेषण प्लस अनिश्चित ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 13वें प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, देखिए मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। अब देखिए ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि काफी कंफ्यूजिंग है कि मानसिक जो है वो किससे बना है। अब इसमें आपको लग सकता है कि मन से भी ये बना हो सकता है, मनस से भी बना हो सकता है, या फिर मानस से भी बना हो सकता है। मनस से तो नहीं लग सकता है, इधर मान से भी नहीं होगा, पर मनस और मानस में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका वास्तव में सही जो इसका मूल शब्द है वो दरअसल मनस है, जिसे आयोग ने बिल्कुल सही माना है। तो 14वें का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, मनस। मनस से यहाँ पर मानसिक विशेषण बन गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सतीश चंचल बालक है। तो देखिए अब ये प्रश्न जो पूछा है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। अब देखिए चंचल विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि सतीश कैसा बालक है, तो चंचल बालक है। चंचल या चंचलता होना या चांचल्य होना ये विशेषता बतलाता है। अब ये किस प्रकार का विशेषण है, तो ये दरअसल सतीश के गुण के बारे में बात कर रहा है कि वो दरअसल एक उसकी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है कि वो कैसा बालक है, तो चंचल बालक है। तो यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन है वही एकदम सही इसका आंसर हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण, यही इसमें सही है। आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो आगे आप देख लीजिए, विषय विशेषण नहीं होता है, ये गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पे ये होता है विधेय विशेषण, ठीक है। जब हम लोग विशेषण पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, तो ये सब ना हो करके ये सतीश चंचल बालक है, ये गुणवाचक विशेषण होगा। प्रविशेषण बेसिकली विशेषण का कोई भेद नहीं है, बल्कि जो विशेषण विशेषता जो विशेषण खुद किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं प्रविशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न है पर्यायवाची, यानी अपना जो अंतिम सेक्शन है पर्यायवाची शब्द, उसमें देखते हैं जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ पहला दिया हुआ है प्रति विलोम वाची, दूसरा देखिए विलोम वाची, तो यानी जो विलोम हो, विलोम तो नहीं होता है पर्यायवाची का मतलब, प्रति विलोम वाची ये थोड़ा सा डाउट कर रहा है, पर आगे हम लोग देखते हैं। तो ये है समानाभास, मतलब समान आभास होना, और चौथा है समानार्थी। तो ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये तो डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया कि समानार्थी जो है ये राइट वर्ड है, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब जिसका समान अर्थ होता है, एक समान अर्थ होता है, तो वैसे समानार्थी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए प्राची का पर्यायवाची शब्द ये आपको पता है, देखिए प्राचीन का मतलब पहले पुराना हो जाता है, अतीत हो जाता है, तो ये इसका वर्ड नहीं होगा। प्राची दरअसल पूर्व के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यानी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व हो जाएगा। प्रकृत मतलब प्रकृति संबंधित, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रज्ञा का मतलब प्रज्ञा आपको पता है सरस्वती के लिए भी प्रयोग किया जाता है, सरस्वती के लिए जो पर्यायवाची शब्द है उसमें प्रज्ञा भी प्रयोग किया जाता है, इला प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से कई सारे वर्ड जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। और इला आपको पता हो कि इला पृथ्वी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इला जो है वो पृथ्वी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और इला आपका सरस्वती के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और प्रज्ञा भी सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब ऐसे देखेंगे आपका ये प्राचीन पर्यायवाची शब्द पूर्व हो जाएगा, 17वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 18वां, जो हमारा लास्ट प्रश्न है उसमें है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो अब देखिए तरंग शब्द का पर्यायवाची देखेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो आपका बता रहा है पुष्कर, पुष्कर देखिए आपका पुष्कर का मतलब हो जाता है तालाब, तो यानी ये तो इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता है। कूल, कूल का मतलब हो जाता है किनारा, कूल का पर्यायवाची हो जाता है किनारा, तो यानी ये भी इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता है। तीसरा है जलधि, जलधि का मतलब आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समुद्र, तो यानी समुद्र भी ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। चौथा जो अपने पास बचा वो है उर्मी, यही इसका राइट आंसर है। उर्मी या वीच भी बोलते हैं, वीच भी इसका पर्यायवाची हो जाता है, इसी प्रकार से लहर भी बोलते हैं उर्मी को। तो ये तरंग, उर्मी, वीच, लहर, ये आपके डेली जो पीडीएफ है उसमें भी ये दिया गया था, उसमें आप लोगों ने इसको याद किया ही होगा, तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल गया होगा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग डेली बेसिस पर आज हम लोग 18 प्रश्न डिस्कस कर लिए, हर एक सेक्शन से हम लोगों ने 3-3 प्रश्न देख लिए हैं,
और उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों पर अब आपको कोई डाउट नहीं होंगे, और ऐसे ही तमाम अन्य प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग कहीं से भी किसी भी पुस्तक से कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो, परंतु उसके साथ में आप अगर इनको कवर करते हुए चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेगमेंट्स को देखते हुए चल रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।